हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ ढाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और आप इसे रोटी, पूरी, पराठा या थेपला के साथ भी खा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 5 टमाटर लिया है, वो मैंने पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। और अब हम ये 3 टमाटर को हम बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे और ये 2 टमाटर को हम क्रश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, टमाटर को मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है और क्रश भी कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये बेसन के आटे से बनी हुई सेव, ये मैंने घर पर ही बनाई है। आप बाजार की भी यूज़ कर सकते हो। और हरा धनिया, पानी, लहसुन का पेस्ट, 2 कटी हुई हरी मिर्च और चीनी, हल्दी पाउडर, जीरा, धनिया जीरा पाउडर, राई, नमक, हींग और लाल मिर्च पाउडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और वो गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून राई। वन टेस्टस्पून जीरा, हाफ टेस्टस्पून हींग और टमाटर। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक हम ऐसे ही पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम टमाटर की ग्रेवी भी इसमें डाल देंगे। और मसाला भी ऐड कर देंगे, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून चीनी। मुझे मीठा बहुत पसंद है इसलिए मैं चीनी डाल रही हूँ। आपको नहीं पसंद तो आप मत डालिए। और हरा धनिया और सेव भी हम डाल देंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और 2 से 3 मिनट हम इसे ढककर पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ऑयल निकलने लगा है, यानी कि हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ये ढाबा स्टाइल हमारा सेव टमाटर की सब्जी तैयार हो गई है। तो अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इनका कलर भी कितना प्यारा आया है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है।
अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो दोस्तों ढाबा स्टाइल हमारी सेव टमाटर की सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।